बाबा जी पहली गवाही है, सिस्टर का नाम गीता है, ये कटरा से ही आए हैं, ये 2 महीने से चर्च आ रहे हैं। पापा जी ये बहन अपने बेटे अनिल की गवाही देना चाहती हैं। पापा जी ये बहन बता रहे हैं कि इनके बेटे अनिल की जो घुटनों में बहुत ही ज्यादा सूजन रहता था, जिस वजह से ये जो भाई है ये चल भी नहीं पाते थे। इस बहन ने अपने बेटे को हर जगह दिखाया, बाबा टोना हर एक चीज करवाई, डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर ये बहन बता रही है कि इनके बेटे को कोई भी फर्क नहीं होता था। इनका बेटा एक कदम खुद से चल नहीं पाता था, सहारे के बिना वो कदम भी नहीं उठा पाता था। फिर इन बहन को किसी ने चर्च के बारे में बताया और ये बहन कह रही है हमें सिर्फ 2 महीने हुए हैं चर्च आए हुए, आज मेरा बेटा खुद चलता फिरता है, बिल्कुल चंगा हो चुका है। आपकी फोटो है, आपके पुराने फोटो है जो जिसमें स्वेलिंग है घुटनों में, दिखाओ। अभी ठीक है, अब आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दौड़ो दौड़ो। पैसे तो नहीं मिले? लोग तो पैसे देंगे, पैसे देंगे तो तेरे पे उन्होंने पैसे रखे हैं, मेनू भी दो पैसे। ठीक है आप, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पापा जी अगली गवाही है, ब्रदर का नाम बंगू राम है, ये मगाल से आए हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पापा जी ये भाई बता रहे हैं कि इनको पिछले 15 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से इन भाई को ब्लड तक आता था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में, बहुत ही परेशानी में रहते थे ये भाई। फिर पापा जी ने चर्च में प्रोफेटिक वर्ड्स दिए थे, जिनको बवासीर है या कोई भी बीमारी है उस पे हाथ रखे। इन भाई ने विश्वास के साथ अपनी बीमारी पर हाथ रखा और एनेंटिंग ऑयल लगाया, और भाई बता रहे हैं पिछले 15 साल से जो बवासीर की बीमारी से ये जकड़े हुए थे उससे बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। 15 साल से रिपोर्ट है आपके पास, क्या हुआ? पर्ची के हैं, ठीक है, तो प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाई पर ले आना कल, क्योंकि कुछ लोग देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। अब नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया।